So 400 million is 2800 crore rupees per annum. Salary. Ab dekh lena, main naam deta hu. Ellison, Ellison, he is the CEO of Oracle. Ab naam dekh lena. Abhi parso hi aapne suna hoga, Sundar Pichai ka, Google ke CEO. Per day ki salary, 3.5 crore. Parso hi news the. हाँ, दो दिन पहले न्यूज थे हैं? इन द प्रिंट मीडिया इट इज टुडे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दो दिन पहले आ गए थे ब्रेकिंग न्यूज में. लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की पूरी सैलरी उनकी 1285 करोड़ थी, टू बी एग्जैक्ट 1285.5 करोड़. मतलब रोज की तनख्वाह 3.5 करोड़ की. सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, अब देख लेना. मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 लाख करोड़ की. हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे. मैंने उनको पूछा कि दोज एग्जीक्यूटिव्स हुम यू पे मोर देन 10 करोड़ और 25 करोड़, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो, क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. ही इज अ डबल एमबीए फ्रॉम एलएससी और हार्वर्ड. एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है. इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको. 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है. ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं. तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, एचआर में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है. आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू में. उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते. आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड. मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो कहा, और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है. दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग. आई सेड व्हाट डू यू आस्क. ही सेड हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर in your life and how did you handle it. प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को, describe a big failure in your life. आपके परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है. वो था है. आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो, जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है. ये हमको नहीं पूछना है. पूछना क्या है, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट. सिंपल. परफॉर्मेंस से आपका कैलिबर का टेस्टिंग नहीं होता. वो तो किसी को भी चांस मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कूद लेता है. हाउ डिड यू हैंडल फेलियर, हाउ डिड यू हैंडल अ सेटबैक, हाउ डिड यू हैंडल अ फॉल इन योर लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि अब रूटीन में जब हमारी, अगर आप हमें, अगर हमने आपको हायर कर लिया, रूटीन में हमारी कंपनी चलती होगी तो आप तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए नहीं वाले हो, लेकिन कंपनी में अगर बड़ी आफत आ गई तो आप क्या करोगे वो बताओ. बाकी तो आपकी जगह और कोई भी ये कंपनी चला रहेगा. इजंट इट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसमें वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे बताया कि स्वामी, इसके उत्तर में उसको 20-25 मिनट हम देते हैं और उसमें भी हम ये जांच करते हैं कि किस प्रकार के विचार और प्रैक्टिसेस उसने अप्लाई किए वो साइड में रखते हैं, किस प्रकार के एटीट्यूड्स उसने उस वक्त रखे उस पर हम गौर रखते हैं. व्हाट वी सी इन हिज आंसर इज नॉट व्हाट ही थॉट ड्यूरिंग फेलियर, नॉट प्रैक्टिकल्स व्हाट ही अप्लाइड टू कम आउट ऑफ दैट फेलियर. व्हाट वी सी इज व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड ही केप्ट व्हेन ही वाज अ फेलियर, व्हेन ही मेट फेलियर इन हिज लाइफ. तो महान लोग ये परिस्थिति में इस प्रकार के एटीट्यूड रखते हैं. तो इसमें यह बात आती है गम खाने की. यह बहुत बड़ा विचार जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए, उसमें कई प्रकार के ऐसे अर्थ आ जाते हैं.
That is the greatness of life. How do you handle failures? Failure handle में सिर्फ आपका attitude, एक ही शस्त्र आपके पास रहता है, हाँ? ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएगी जब आपके मोबाइल नंबर में 400 फोन होंगे, किसको फोन करूं वो तकलीफ में आ जाएंगे आप. Even if you are the Sahara of thousands of homes, when you are lying Besahara in Tihar for 4 years,